अलवर बहरोड थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग को घर से बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता गर्भवती हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 20 मार्च 2022 को थाना बहरोड में परिवादी ने थाने पर रिपोर्ट दी कि रात्रि के समय उसकी बहन सोते हुए अचानक गायब हो गई, जिसको सभी जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। उसके बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया और पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर लिया और मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता प्रेग्नेंट होना पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी जुबेर निवासी रेवड़ा रानीगंज अरीरिया बिहार को गिरफ्तार किया और उसके बाद मामला पॉक्सो संख्या 3 न्यायालय में चला, जिस पर आज न्यायाधीश मुकेश कुमार ने आरोपी जुबेर को 20 साल की सजा और 21,000 के जुर्माने से दंडित किया है। 21-3-2022 की बहरोड थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें पीड़िता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपनी मेरी बहन रात को 12:45 बजे जब मैं उठी तो वो नहीं मिली। उस पर 228/22 थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। दौरान अनुसंधान में पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पूर्ण अनुसंधान चार्जशीट पेश की गई आयोग द्वारा संबंधित न्यायालय में और गवाह को जुड़ने के बाद आज माननीय न्यायाधीश महोदय मुकेश जी ने मोहम्मद जुबेर को 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। 363 में 2 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, 366 में 4 वर्ष का कठोर कारावास और 6,000 रुपये जुर्माने से आज माननीय न्यायालय ने दंडित किया गया। दौरान अनुसंधान में और ट्रायल में विचारण के दौरान पीड़िता प्रेग्नेंट पाई गई जो मुलजिम के साथ रहने की वजह से, और लेकिन इसमें एक तथ्य यह आया कि जब पीड़िता और उसके माता पिता जब आए तो इस संबंध में न्यायालय में हॉस्टाइल हो गए, पक्षद्रोही घोषित किया गया। इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट थी, उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में और अभियोजन पक्ष की मजबूती से अपना पक्ष रखा और आज माननीय न्यायालय ने यह आदेश और दंडित बोल दिया। राजकुमार गंगावत, पॉक्सो नंबर 2 स्पेशल।